हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्की। और मैंने ये आधा किलो आलू ले लिया है और इसको बॉईल कर लिया है। अब इसको मैश कर लेती हूँ। ये देखिए, आलू को मैंने मैश कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार मसाला। ये देखिए, मैंने इसमें स्वाद के अनुसार मसाला डाल दिया है। नमक, मिर्ची, धनिया, मेथी और गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मैश करने के बाद मैंने मसाला मिक्स कर लिया है और ये टिक्की का शेप दे दिया है। और अब इसको ऑयल में तल लेते हैं। ये देखिए, हमारा तवा गरम हो गया है और इस पर हमने रिफाइंड डाल दिया है। अब इसके ऊपर रखते हैं टिकिया और इसको धीरे धीरे पका लेंगे। धीरे धीरे इसको पकने देंगे। देखिए, एक साइड से हमारी टिकिया गोल्ड हो गई है और धीरे धीरे इसको दोनों तरफ से ऐसे ही पका लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पक गई है, कितना अच्छा कलर आया है। इस प्रकार से धीमे आंच पर इनको धीरे धीरे सभी टिकिया को पका लेंगे। ये देखिए, ये हमारी आलू की टिक्की बनके तैयार हो गई है और अब इनको करते हैं सर्व। देखिए गाइज, मैंने टिकिया को सर्व कर दिया है और अब इसके मज़े लेते हैं खा के। आप भी अपने घर पे बनाइए और टिकिया के मज़े लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।